अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखी है, मैंने आपको बताया था अपने साइंस की बुक देखी डिस्कवर साइंस, इसमें हमारा पी ए वन में लेसन नंबर 1-2 लेसन नंबर 4 तक आ रहा है, ठीक है, जिसमें हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 कवर कर चुके हैं। लेसन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, लाइफ ऑन दी अर्थ, हमारा यूनिट फर्स्ट है लिविंग थिंग, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा क्या था, लाइफ ऑन दी अर्थ, हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमारे अर्थ पर किस तरीके से एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की यानी लिविंग थिंग्स की किस तरीके से लाइफ है, ठीक है, जिसमें हमने फूड चेन पढ़ी थी उसकी, एनिमल्स की और प्लांट्स की, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं वो। सेकंड चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, प्लांट्स पढ़े थे द फूड प्रोड्यूसर, हमें पता है कि हमने इसमें चैप्टर में ये देखा था कि प्लांट्स जो है हमारे वो फूड प्रोड्यूसर कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एयर वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमने इसमें देखिए क्या क्या पढ़ा था, फूड चेन पढ़ा था, बैलेंस इन नेचर पढ़ा था, किस तरीके से नेचर को बैलेंस करना पड़ता है और ह्यूमन बींग को नेचर में किस तरीके से बैलेंस करना पड़ता है, दोनों चैप्टर की हमने एक्सरसाइज कवर की थी इसमें विद क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आज हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3 है हमारा प्लांट्स हैबिटेट्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स के हैबिटेट्स, मतलब प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके से कहाँ ग्रो करते हैं, उनका हैबिचुअल क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, कह रहे हैं कि हमारा जो 71% है अर्थ का उस पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, वाटर है, यानी हमारी अर्थ की जो 71 हिस्सा है, 71% जो है वो पानी से घिरा हुआ है। बट द आयरनी इज दैट द बाई प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन वाटर, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन वाटर आर वेरी स्मॉल एंड फ्लोट नियर दी सरफेस, कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, जो किस पर ग्रो करते हैं, वाटर पर ग्रो करते हैं, मतलब वाटर में ग्रो करते हैं। द लैंड इज देयरफॉर अ बेटर प्लेस फॉर प्लांट्स, कह रहे हैं लैंड जो है वो क्या है हमारी, बेटर प्लेस है किसके लिए, प्लांटेशन के लिए। बट देयर आर प्रॉब्लम्स फॉर प्लांट लिविंग ऑन लैंड, कह रहे हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं प्लांट्स के लिए लिविंग करने के लिए, किस पर, लैंड के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं वो, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ वाटर, कह रहे हैं सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है हमारी, वाटर है। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो विच दे गेट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ रेन, कह रहे हैं प्लांट्स को नीड है, ज़रूरत है किस चीज़ की, पानी की, किस लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है, जो कि उसको पानी कहाँ से मिलता है, रेन के ज़रिए मिलता है। फिर कह रहे हैं सेकेंड है टेम्परेचर, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बताइए, वाटर, सेकेंड है इसमें टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कह रहे हैं टेम्परेचर जो है वो दूसरा फैक्टर है इसका जो असर करता है किस पर, प्लांट्स की ग्रोथ पर, ठीक है। थर्ड है नॉट ऑल प्लांट्स नीड, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इज अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। नॉट ऑल प्लांट्स नीड द सेम टेम्परेचर इन ऑर्डर टू ग्रो प्रॉपरली, कह रहे हैं कि सभी प्लांट्स को जरूर नीड, मतलब ज़रूरत नहीं है सेम टेम्परेचर की, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स का टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। द सॉइल विच प्रोवाइड्स मिनरल्स एज वेल एज वाटर ऑल्सो इफेक्ट द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, कह रहे हैं जो सॉइल है विच प्रोवाइड्स मिनरल्स, जिससे हमें क्या मिलती है प्लांट्स को, सॉरी क्या मिलती है मिनरल्स मिलते हैं, एज वेल एज वाटर, दोनों चीज़ें हमें प्लांट्स को कहाँ से मिलती हैं, सॉइल से मिलती हैं, कह रहे हैं कि ऑल्सो अफेक्ट लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, कह रहे हैं ये भी किस पर, प्लांट की ग्रोथ पर असर करता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने, वाटर, टेम्परेचर और सॉइल। आगे देखिए द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कह रहे हैं कि अब जो हमारा रेनफॉल है और टेम्परेचर है, जो हमने दोनों चीज़ें पढ़ी, ये किस पर वेरी करता है, जगह पर करता है, जिस जगह हम अपने प्लांट की ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। द सॉइल ऑफ दीज प्लेसेस इज ऑल्सो डिफरेंट, कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की सॉइल भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है। फॉर दीज रीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव देयर ओन काइंड्स ऑफ प्लांट लाइफ, कह रहे हैं ये रीज़न है जिसकी वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी एक अपनी अपनी लाइफ है, ठीक है, उसी चीज़ को हमने क्या कहा है, प्लांट्स हैबिटेशन। फिर द प्लांट्स वेयर अ प्लांट ग्रो इज कॉल्ड अ हैबिटेट, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जगह जहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसकी हैबिटेट कहते हैं। ओनली दोज प्लांट्स दैट, जैसे कि प्लांट्स की हैबिटेट है इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स के हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, ओनली दोज प्लांट्स दैट अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट्स कैन सर्वाइव अदर प्लांट्स डाई आउट, कह रहे हैं कि सिर्फ वही प्लांट्स हैबिटेट जो कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, आगे जनरेट कर पाते हैं, वरना अदरवाइज क्या हो जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, कह रहे हैं कि हैबिटेट्स के बेसिस पे प्लांट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, एक है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सेकंड है एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है।
लेट अस स्टडी अबाउट दीज प्लांट्स इन डिटेल। कह रहे हैं कि प्लांट्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और दूसरा है एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हम पढ़ेंगे और एक्वेटिक प्लांट्स पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक वर्ड में बताऊँ मैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं जो लैंड पर ग्रो करते हैं, ठीक है, हिली एरियाज पर ग्रो करते हैं, यानी टेरेस पर करते हैं। और एक्वेटिक मतलब वाटर, एक्वा मतलब पानी, तो जो वाटर में ग्रो करते हैं वो हमारे कौन से प्लांट्स कहलाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। द प्लांट्स दैट ग्रो इन ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। कह रहे हैं कि वो प्लांट्स जो हमारे लैंड पर ग्रो करते हैं वो कौन से प्लांट्स कहलाते हैं हमारे, टेरेस्ट्रियल। टेरेस पर जो ग्रो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। द लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। कह रहे हैं कि लैंड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह की कैसी हो, सेम हो, ठीक है। इट हैज़ हिल्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड मार्शी एरियाज ऑल्सो। कह रहे हैं कि वो पहाड़ी एरिया भी हो सकता है हमारा, ठीक है, मैदान भी हो सकते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान भी हो सकते हैं, मार्शी एरियाज भी हो सकते हैं, मतलब दलदली जगह भी हो सकती है, दलदल जो होती है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट एरियाज। तो कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर है, फर्स्ट है इन हिली एरियाज लाइक कश्मीर एंड शिमला हिमाचल प्रदेश, ट्रीज़ आर जनरली टॉल एंड स्ट्रेट। कह रहे हैं कि हिली एरियाज़ में देखा हो, जैसे कि कश्मीर और शिमला बता रहे हैं, उसके जो ट्रीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो कह रहे हैं दे फेस वेरी लो टेम्परेचर, उन्हें बहुत कम लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। सो दे हैव निडल लाइक लीव्स, उनकी लीव्स कैसी होती हैं, निडल लाइक होती हैं, ठीक है, इस तरीके से देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारी निडल लाइक लीफ हो गई, ठीक है, कॉल्ड पाइंस, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइंस। तो पाइंस क्या चीज़ें हैं, निडल लाइक लीफ, ठीक है। द लीफ आर वेरी टफ, दे अलाउ विंड्स टू ब्लो देयर देम विदाउट मेकिंग द ट्रीज स्वे टू मच, द ट्रीज बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। इसमें देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, ट्रीज में इसमें क्या चीज़ होते हैं, कोन्स होते हैं, किसकी इंस्टेड किसकी जगह पर, फ्लावर्स की जगह पर। तो यानी हिली एरियाज में जो प्लांट्स हैं उसमें कह रहे हैं कि फ्लावर्स ना होने के, फ्लावर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। कह रहे हैं ज़्यादातर जो ट्रीज होते हैं वो किस शेप के होते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं, सो दैट दे कैन टॉलरेट स्नोफॉल। सच ट्रीज आर कॉल्ड कॉनीफर्स। तो कॉनीफर्स ट्रीज कौन से कहलाते हैं, जो किस शेप के होते हैं, कॉनिकल इन शेप के होते हैं, ठीक है। और उसमें कह रहे हैं फ्लावर्स की जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, कोन्स प्रेजेंट होते हैं। वही हमारे जो प्लांट्स होते, ट्रीज होते हैं वो किस शेप के प्रेजेंट होते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं। और कॉनिकल शेप वाले ट्रीज को हमने क्या नाम दिया है, कॉनिफर्स, ठीक है। कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉनिफर्स आर पाइन फिर एटसेट्रा। कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ कॉनिफर्स की, देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिया है, ये पाइन है, फिर है ये, और भी बहुत से हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, इसमें हमने फर्स्ट में क्या देखा था, हिली एरियाज के लिए। अब सेकेंड देख रहे हैं इसमें प्लेन्स के लिए, इन प्लेन्स ट्रीज बियर लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। कह रहे हैं कि प्लेन्स जगह मतलब मैदानी जो जगहें होती हैं, कह रहे हैं ट्रीज बियर लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स, उसमें क्या होती हैं, ब्रांचेज होती हैं बहुत सी, लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा, और लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें क्या था, इस ट्रीज में जो हिली एरियाज में थे उसमें फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं थे, क्या प्रेजेंट थे, कोन्स प्रेजेंट थे। प्लेन्स में कह रहे हैं कि लीव्स प्रेजेंट होंगे और ब्रांचेस होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लॉट्स ऑफ। दे यूजली शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द, दे यूजली शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द कोल्ड, बट दे लुक ग्रीन इन रेनी सीजन। कह रहे हैं कि ये जो होते हैं अक्सर इनकी जो लीव्स होते हैं या ब्रांच लीव्स जो हैं ये क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है, कब, विंटर सीजन में, और ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, सर्दियों से। बट दे लुक ग्रीन, लेकिन कह रहे हैं कि ये हमें ग्रीन ही नज़र आते हैं इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में भी। कॉमन एग्जांपल ऑफ ट्रीज इन द प्लेन एरियाज आर मैंगो, नीम, पीपल एंड बैनियन। आपने ये ट्रीज देखी हो, और भी हैं बहुत से जो हमें किस कलर के नज़र आते हैं, ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। थर्ड है इसमें प्लांट दैट ग्रो इन हॉट एंड डैम क्लाइमेट ऑल्सो बियर लॉट्स ऑफ लीफ। कह रहे हैं कि वो प्लांट जो हॉट क्लाइमेट में बियर करते हैं जो होते हैं उसमें भी बहुत सी पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, लेकिन उनकी जो पत्तियां होती हैं वो झड़ती नहीं हैं। सो दे लुक ग्रीन थ्रू आउट द एयर। कह रहे हैं कि वो क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पढ़ा था प्लेन्स जो होते हैं ये ग्रीन कलर की हमें, बट दे लुक ग्रीन इन रेनी सीजन। कह रहे हैं कि वो उसकी जो पत्तियाँ थी वो झड़ जाती थी, लेकिन उसकी फिर भी जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ग्रीन कलर के ही नज़र आते थे। इसमें कह रहे हैं इसमें जो इसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ती नहीं हैं, सो दे लुक ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल ये भी जो है हमारे ग्रीन कलर में ही प्रेजेंट
हमें नज़र आते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एवर ग्रीन ट्रीज़, कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम इनको और भी क्या कहते हैं, एवर ग्रीन, यानी ग्रीन कलर के ट्रीज़ होते हैं, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, एवर ग्रीन ट्रीज़। कह रहे हैं कोकोनट एंड टीक आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एवर ग्रीन ट्रीज़, कह आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कोकोनट और टीक की, ये क्या है, ट्रीज़ के नेम है, यह एग्जाम्पल है किसकी, एवर ग्रीन ट्रीज़ की। रबर, शुगर केन एंड पेपर आर अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन सच क्लाइमेट, कह रहे हैं ये और कुछ एग्जाम्पल्स दिए जो हॉट क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, ठीक है। देखिए मैंगो, नीम, बैनियन। फोर्थ पॉइंट देखिए, प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट एरियाज आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। तो हमें पता होना चाहिए ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, डेजर्ट एरियाज में, रेगिस्तान में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ज़ेरोफाइट्स कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर सिंस देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन द डेजर्ट दीज प्लांट्स कैन नॉट अफर्ड टू लॉस वाटर, इनके पास ज़्यादा पानी नहीं होता, इनको पानी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सो दे हैव नो लीव्स, कह रहे हैं इनके पास डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है, ज़ेरोफाइट्स, उनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और दे हैव नो लीव्स, उनके प्लांट्स में लीव्स प्रेजेंट भी नहीं होती है। दे हैव स्पाइंस इन प्लेस ऑफ लीव्स, कह रहे हैं उनकी लीव्स पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, स्पाइंस यानी कांटे, ठीक है। दे हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम, कह रहे हैं कि उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और फ्लैशी होती है, मोटी होती है। दे हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम दैट टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द लीव, द स्टेम्स मेक द फूड फॉर द प्लांट, हमें पीछे भी हमने पढ़ा था कि स्टेम में हमारा खाना क्या होता है, स्टेम मेक द फूड फॉर द प्लांट, प्लांट का जो हमारा जिस प्लांट्स में लीव्स प्रेजेंट नहीं थी उसका जो खाना बन रहा था वो कौन बना रहा था, स्टेम, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, कह रहे हैं डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं, जो रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, देखिए यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं आपको, दैट गो डीप इन टू द सॉइल टू ड्रॉ वाटर फॉर द प्लांट्स, कह रहे हैं कि जो कि नीचे तक जाके पानी सॉइल से लेती हैं, ठीक है, और हमारा जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है। कैक्टस एंड प्रिंकली पियर आर एग्जाम्पल ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स, यहाँ आपको टू एग्जाम्पल्स दिए किसकी, डेजर्ट प्लांट्स की। फिफ्थ पॉइंट है, प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स, मैंने पीछे बताया था मार्शी का मतलब दलदली जगह, कह रहे हैं वो प्लांट जो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, मैंग्रोव्स, और हमने जो रेगिस्तान डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनको ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। द सॉइल इन द मार्शी एरियाज डज नॉट कंटेन इनफ एयर, कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा हवा की ज़रूरत नहीं होती है, सो प्लांट्स इन दीज एरियाज हैव स्पेशल ब्रीथिंग रूट्स दैट कम आउट ऑफ दी सॉइल, कह रहे हैं इनके पास स्पेशल तरीके के ब्रीथिंग रूट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सच रूट्स आर कॉल्ड नेमाटोफोर्स, ठीक है, उन रूट्स को हमने क्या नाम दिया है, देखिएगा पी इसमें साइलेंट है, नेमाटोफोर्स। फिर है राइजोफोरा और सुंदरी इज एन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव, ये आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। इट इज़ फाउंड इन द सुंदरबन डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये हमने जो भी एग्जाम्पल हमें दी थी यहाँ पर कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ टेरेस में किस किस जगह पर ग्रो करते हैं हमने सभी पढ़ी हैं, सबसे पहले प्लेन्स में पढ़ा था हमने, हिली एरियाज, फिर हमने देखा था हॉट क्लाइमेट में, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एवरग्रीन दिया था, क्यों, क्योंकि वो ग्रीन कलर के प्रेजेंट थे। और फिर हमने पढ़ा है ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स क्या है हमारे, जो डेजर्ट एरियाज में ग्रो करते हैं। फिर हमने पढ़ा मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स क्या है हमारे, जो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, ठीक है, जो दलदली ज़मीन में जिनकी ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो हमारे कहलाते हैं मैंग्रोव्स। अब सेकंड हम पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स, अभी हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, सेकंड है इसमें एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी में जिनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, एक्वेटिक प्लांट्स के भी अब यहाँ पर सब डिवीजन है, देखिए थ्री टाइप्स के हैं, एक है फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स। इनके वर्ड से ही हमें मीनिंग पता चल रहा है, फर्स्ट है हमारा फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स जो फिक्स्ड होंगे बिल्कुल अंडर वाटर, वाटर के अंडर, अंदर के साइड। अब वन बाई वन देखिए, फर्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज, कह रहे हैं साइज में स्मॉल होते हैं एंड लाइट इन वेट, और इनका जो वजन वेट होता है वो भी कैसा होता है, लाइट होता है, मतलब हल्का होता है। ये देखिए आपको एग्जांपल दिए, वुल्फिया पिस्टिया एंड डकवीड आर वेरी स्मॉल, ये तीन एग्जांपल हैं आपको प्लांट्स की, कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं इसलिए हम इनको हमने क्या नाम दिया है, फ्लोटिंग प्लांट्स में आते हैं ये। सो दे फ्लोट ऑन वाटर, तो हमारे जो पानी पर ये फ्लोट कर सकते हैं, आसानी से तैर सकते हैं, ठीक है।
वाटर क्या था यहाँ पे, फ्लोटिंग प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट, वोल्फिया पिस्टिया एंड डकवीड आर वेरी स्मॉल सो दे फ्लोट ऑन वाटर। कह रहे हैं कि फ्लोटिंग प्लांट्स जो हैं उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, जिसकी वजह से वो पानी पर ईजिली फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वाटर हाइसिंथ हैज़ बल्ब लाइक स्वेलिंग्स इन इट्स लीफ स्टॉल। कह रहे हैं कि लीफ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है कैसा बताया, बल्ब लाइक। ठीक है, दीज स्वेलिंग्स आर फिल्ड विद एयर, वो किससे फिल होती है, एयर से फिल होती है, हवा से। दे मेक द प्लांट लाइट सो दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। कह रहे हैं कि ये प्लांट्स को ये जो हवा प्रेजेंट होती है स्वेलिंग्स में लीफ के, वो कह रहे हैं कि वो क्या करती है, प्लांट को लाइट करती है, हल्का करती है, जिसकी वजह से वो इजीली वाटर पर फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट मतलब वो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, एक जगह फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि कह रहे हैं सम वाटर प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड टू दी बॉटम बाय रूट्स, वो किस कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स वाटर प्लांट्स ऐसे हैं जो फिक्स्ड होते हैं बॉटम से, किसके रूट्स के जरिए। ठीक, सच प्लांट्स हैव लॉन्ग हॉलो स्टेम एंड ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स। कह रहे हैं कि उनकी उन जो फिक्स्ड प्लांट होते हैं हमारे, उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है। ठीक है, और ब्रॉड उनकी लीव्स होती हैं, मतलब चौड़ी उनकी लीव्स होती हैं। हॉलो एंड लाइट स्टेम्स कीप द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट अफ्लोट। कह रहे हैं कि इनकी जो लीव्स होती हैं और सॉरी हमने बताया भी लॉन्ग है और स्टेम, जो लॉन्ग स्टेम है इनकी और क्या है लीव्स कैसी है इनकी, ब्रॉड लीव्स प्रेजेंट होती हैं किसमें, फिक्स प्लांट में। फिक्स प्लांट क्या है, जो रूट के जरिए अब बॉटम जो होता है प्लांट का वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स इज कोटेड विद वैक्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेटिंग एंड रोटिंग। कह रहे हैं कि लीव का जो अपर सरफेस है वो कोट होता है मतलब कवर होता है। क्यों कवर होता है, वैक्स से कवर होता है, क्यों कवर होता है, क्यों प्रोटेक्ट करता है वो देम फ्रॉम वेटिंग एंड रोटिंग, ताकि वो कहीं हमारा जो प्लांट है वो हमारा गीला वेट ना हो जाए, गीला ना हो जाए, रोटिंग ना हो जाए, सड़ ना जाए। ठीक है, द स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि लीफ पर हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स प्लांट। लोटस और वाटर लिली जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, फिक्स प्लांट की। हमें सभी प्लांट्स के जो ट्रीज पढ़ रहे हैं सभी की एग्जाम्पल हमें पता होनी चाहिए। थर्ड है इसमें अंडरग्राउंड प्लांट्स, तो फ्लोटिंग फिक्स प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा, वो प्लांट्स जो थे जिनकी स्टेम लॉन्ग थी और लीव्स उनकी कैसी थी, ब्रॉड थी। ठीक है, और वो अपनी एक जगह पर फिक्स रहते थे, जिनके एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ी है, लोटस और वाटर लिली। थर्ड है अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट मतलब ये प्लांट्स के अंडरग्राउंड होते हैं, नीचे के साइड होते हैं ग्राउंड के। सम एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर टोटली। कह रहे हैं कि कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे हैं, मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं पानी वाले जो अंडर वाटर होते हैं टोटली, पूरी तरीके से, मतलब हमें ऊपर नजर नहीं आएंगे वो ग्राउंड के। दे हैव लीव्स दैट आर आइदर वेरी स्मॉल और लाइक रिबन विच ऑफर लिटल रेजिस्टेंस टू वाटर करंट्स। कह रहे हैं कि इनके पास जो प्रेजेंट होती हैं लीव्स दैट आर वेरी स्मॉल, किस तरीके की प्रेजेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी लीव्स होती हैं किसमें, अंडर वाटर प्लांट्स में। दे हैव नो स्टोमेटा एट ऑल। कह रहे हैं कि इन प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है, और हमने फिक्स प्लांट में देखा था स्टोमेटा प्रेजेंट था। ठीक है, देखिए यहाँ द स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीव, लेकिन अंडर वाटर प्लांट्स में कह रहे हैं स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू द जनरल सर्फेस ऑफ द लीव। हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ सच एक्वेटिक प्लांट। ये आपको एक्वेटिक प्लांट की एग्जाम्पल दी है। ठीक है, थर्ड है ये हमें थ्री टाइप्स के एक्वेटिक प्लांट्स पढ़े। अब है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट खाते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं खाने में। देखिए यहाँ पे सम प्लांट्स आर नोन फॉर देयर अनयूजुअल हैबिट। कह रहे हैं कुछ प्लांट्स को हम उनके मतलब अनोखे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अमंग देम द मोस्ट फेमस आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। कह रहे हैं उनमें से जो ज़्यादा जो मशहूर प्लांट हैं वो कौन से हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, कीड़े जो खाते हैं प्लांट, उनको हमने क्या नाम दिया है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, द प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, वो प्लांट्स जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, उन्हें हमने क्या नाम दिया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यूजली कवर देयर विक्टिम्स इन स्पेशल जूसेस दैट टर्न्स द इंसेक्ट बॉडीज इनटू लिक्विड। कह रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो यूजली कवर देयर विक्टिम्स इन स्पेशल जूसेस। वो अपने विक्टिम को कवर करके रखते हैं किससे, स्पेशल जूसेस से। जो कौन खाता है,
इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। और जब इंसेक्ट उस जूस को लेने के लिए आते हैं तो वो जो प्लांट्स की जो लीफ होती है, प्लांट्स होते हैं, वो उस इंसेक्ट को कवर कर लेते हैं और वो इंसेक्ट जो है वो जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट क्या लेने आते हैं, स्पेशल जूसेस लेने आते हैं जो किस पर प्रेजेंट होती हैं, प्लांट्स के फ्लावर उस पर लीफ पर। वो लीफ क्या करते हैं या प्लांट्स क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को फोल्ड अपने फोल्ड कर लेते हैं और वो इंसेक्ट हमारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। देन द प्लांट बॉडीज इनटू लिक्विड, देन द प्लांट्स सोक अप बाय द लिक्विड फूड थ्रू द सरफेस ऑफ देयर लीव्स। अब देखिए फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें, लेट अस स्टडी सम ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब हमें इसमें प्लांट एग्जांपल हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की, फर्स्ट है सेंडियू, सेकंड है वेनस फ्लाई ट्रैप, थर्ड पिचर प्लांट। ये हमारे जो तीनों प्लांट हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के, यानी ये जो प्लांट हैं वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है। सेंडियू इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट दैट कैचेज इंसेक्ट ऑन इट्स डेडली टेंटिकल्स दैट कवर द लीव्स। कह रहे हैं ये क्या करते हैं, कैच करते हैं किसको, इंसेक्ट को, ठीक है। द स्टिकी ड्रॉज एट द एंड ऑफ द टेंटिकल्स ट्रैप द इंसेक्ट, क्या था। सेंडियू इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट दैट कैचेज इंसेक्ट ऑन इट्स डेडली टेंटिकल्स दैट कवर द लीव, जो किसको कवर करते हैं, लीव्स को कवर करते हैं, ठीक है। द स्टिकी ड्रॉप्स एट द एंड ऑफ द टेंटिकल्स ट्रैप द इंसेक्ट। इसमें कह रहे हैं स्टिकी ड्रॉप्स होते हैं वो देखिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंड द टेंटिकल्स, लीव जो हम बता रहे हैं उसके एंड पे प्रेजेंट होते हैं, ट्रैप द इंसेक्ट, जो क्या करते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी पीछे बताया था कि इंसेक्ट जैसे ही उस लीव्स पर आके बैठते हैं, उस प्लांट पे आके बैठते हैं, जो कि एग्जांपल दे रहे हैं आपको ये सेंडुई, वेनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट, वो प्लांट्स क्या करते हैं उसको फोल्ड कर देते हैं फौरन अपनी लीव और वो जो एनिमल इंसेक्ट होते हैं वो उसमें ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए एग्जांपल वेनस फ्लाई ट्रैप है, वेनस फ्लाई ट्रैप हैज़ स्ट्रेंज लीव दैट शट लाइक अ पेयर ऑफ जॉस वेन इंसेक्ट टच द सेंसिटिव हेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव। देखिए कह रहे हैं जब भी इंसेक्ट टच करता है सेंसिटिव हेयर को किसके, लीव के सरफेस पर, जब वो टच करेगा इंसेक्ट हमारा, द लीव्स क्लोज एंड ट्रैप द इंसेक्ट। कह रहे हैं लीव जो होगी वो क्लोज हो जाएगी और इंसेक्ट को क्या कर लेगी, अंदर की तरफ बंद कर लेगी। अब वीनस फ्लाई ट्रैप समटाइम्स कैचेज स्मॉल फ्रॉग, कह रहे हैं वीनस फ्लाई ट्रैप जो आपको प्लांट की एग्जाम्पल दी है उसमें छोटे छोटे फ्रॉग भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इंसेक्ट पढ़ रहे हैं तरीके से छोटे छोटे फ्रॉग भी उसमें उसको भी वो कैच कर लेती हैं। थर्ड है पिचर प्लांट, पिचर प्लांट देखा हो शायद सभी ने, पिचर प्लांट कैचेज इंसेक्ट इन अ पूल ऑफ लिक्विड इनसाइड देयर होलो लीव्स। ये कैसे होते हैं होलो लीव्स में, देखिए पिचर प्लांट कैचेज इंसेक्ट, ये भी इंसेक्ट कैच करेंगे, सभी इंसेक्ट को ही खाएंगे क्योंकि इन ये जो एग्जांपल है ये हमारी किस चीज़ की, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की ही है, ठीक है। देन एन इंसेक्ट सेड टू ईट अ स्वीट फूड नेक्टर अराउंड द लीव, इट फॉल्स डाउन इन टू द पूल एंड डाई। कह रहे हैं जब भी हमारा कोई भी इंसेक्ट किस पर जाके बैठेगा, प्लांट पर बैठेगा अराउंड द लीव, इट फॉल्स डाउन इन टू द पूल एंड डाई। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो गिर जाएंगे, फॉल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे यानी मर जाएंगे, ठीक है। ये हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ही के बारे में पढ़ा था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या थे, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट खा रहे थे और उनकी कुछ हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, ठीक है। अब है इसमें प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। When we talk of grass, we usually think of grass in lawns and fields. कह रहे हैं कि जब भी हम कभी grass के बारे में बात करते हैं, we usually think, हमें क्या याद आता है, lawns अपने घर के और fields. But wheat, rice, maize, barley, oats, etc. are all the kinds of grasses. कह रहे हैं कि लेकिन wheat देखा आपने, गेहूँ, चावल, maize, barley, oats, etc. ये सब किस चीज़ के example हैं, grasses के example हैं। दीज ग्रासेज आर फॉर सीरियल्स, इनको हमने क्या नाम दिया था, सीरियल्स नाम दिया था। एंड देयर फ्रूट्स द पार्ट वी ईट आर कॉल्ड ग्रेन, और कह रहे हैं कि इनका जो फ्रूट का जो पार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। सीरियल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है किसका, प्लांट किंगडम का। विदाउट ग्रेन्स वी वुड नॉट हैव ब्रेड, केक्स, राइस और पॉपकॉर्न, कह रहे हैं कि विदाउट, बगैर ग्रेन्स के हमें क्या नहीं मिल सकता है, ना ही हमें ब्रेड मिल सकती है, ना ही केक, राइस और पॉपकॉर्न। एंड ग्रासेस प्रोवाइड फूड फॉर द काउ, और कह रहे हैं ग्रासेस प्रोवाइड करते हैं फूड किसके लिए, काउ के लिए, बफेलो, गॉड्स, विच गिव अस मिल्क, जो कि हमें ये जो एनिमल्स हैं ये हमें जो कि क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, चीज़ देते हैं एंड मीट देते हैं, ठीक है। देखिए आपको नीचे एग्जाम्पल दिए, ओट्स बने हैं यहाँ पे, बार्ली है, राइस है और मेज है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया चैप्टर का। इसमें हमने प्लांट्स के हैबिटेट पढ़े थे कि किस टाइप के प्लांट्स किस तरह के लैंड पर
ग्रो करते हैं, ठीक है। अब इसकी एक वो देखिए, एक्सरसाइज देखिए, टिक दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वेटिक प्लांट। कह रहे हैं कि इसमें से वो कौन है जो एक्वेटिक प्लांट नहीं है। तो एक्वेटिक प्लांट मैंने क्या बताए थे, वो प्लांट जो वाटर में जिनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसमें हमें देखिए कौन सा ऐसा प्लांट है जो वाटर में जिसकी ग्रोथ नहीं होती है। वॉल्फिया है, पिस्टिया है, बैम्बू है या फिर लोटस है। इसमें एग्जांपल देखिए, फर्स्ट बैम्बू जो है वो हमारा क्या है, एक्वेटिक प्लांट नहीं है, वरना बाकी के जो भी तीन प्लांट है वो हमारे एक्वेटिक प्लांट है, पानी में ही इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। कह रहे हैं कि इसमें से वो कौन है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है, इज नॉट है ना, नहीं है कह रहे हैं कि। तो हमें बताना है वीनस फ्लाइट्रेप, पिचर प्लांट, संड्यू, राइजोफोरा। तो अभी हमने देखी यहाँ पीछे पढ़ा था, ये तीनों जो हमारी एग्जाम्पल हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट की हैं। इसमें राइजोफोरा जो है वो हमारी एग्जाम्पल नहीं है। देखिए यहाँ पे तीनों हैं, तो हमारे इसमें नहीं पूछा गया, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। थर्ड है, ज़ेरोफाइट्स मेक देयर फूड इन देयर। ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं वो खाना अपना किस में बनाते हैं, लीव्स में, फ्लावर्स में, स्टेम्स में या रूट में। तो मैंने बताया था कि ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स कौन से थे जो डेजर्ट पर ग्रो कर रहे थे, और वो अपना उनमें क्या चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी, लीव्स प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। तो वो अपना खाना किसकी हेल्प से बना रहे थे, देखिए, द स्टेम मेक द फूड फॉर द प्लांट। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्टेम। फोर देखिए, फोर्थ है, ज़ेरोफाइट्स मेनली ग्रो इन, कह रहे हैं ज़ेरोफाइट्स मेनली कहाँ पर ग्रो होते हैं, डेजर्ट में, प्लेन एरियाज में, मार्शी एरियाज में, हिली एरियाज में। अभी हमने पीछे पढ़ा था ज़ेरोफाइट्स हमारे वो प्लांट्स थे जो डेजर्ट में ग्रो कर रहे थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉनिफर, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉनिफर, कह रहे हैं कि इसमें से कौन से हैं जो कॉनिफर नहीं है। तो पाइन है, या कैक्टस है, या फिर स्प्रूस है, या सेडर है। तो अभी हमने देखिए पीछे पढ़ा था, कैक्टस नहीं था उसमें, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अभी हम कॉपी में करेंगे। अब देखिए फिलिंदा ब्लैंक्स देखिए, कॉनिफर्स ग्रो इन डैश एरियाज, कह रहे हैं कॉनिफर्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं कैसे एरियाज में, देखिए हिली एरियाज में, ठीक है। हिली एरियाज में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कॉनिफर्स की, जो कोन की तरह उनका स्ट्रक्चर था, ठीक है। सेकंड है, लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ, कह रहे हैं लोटस और वाटर लिली जो है वो एग्जाम्पल हैं किस प्लांट के। तो ये प्लांट ऐसे हैं जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, वाटर में। वाटर वाले प्लांट को हमने क्या नाम दिया था, एक्वेटिक प्लांट। थर्ड देखिए, डैश इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। हमें यहाँ पे क्या बताना है, इंसेक्टिवोरस प्लांट बताना है, ठीक है। तो हमने इसमें तीन पढ़े थे, आप कोई सा भी एक बता सकते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट हमने देखी, तीन पढ़े थे, तो मैं पिक्चर प्लांट लिख देती हूँ इसमें, ठीक है। पिक्चर प्लांट कैपिटल से स्टार्टिंग कीजिएगा। वी गेट पेपर फ्रॉम, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें पेपर किससे मिलता है। तो ये तो सभी जानते होंगे, प्लांट से मिलता है। उस प्लांट का क्या नाम है, बैम्बू प्लांट, ठीक। फाइंड द नेम ऑफ 10 ट्रीज प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉसवर्ड पजल। ये आपको खुद करना है, इसमें 10 ट्रीज या फिर प्लांट्स के नेम मिलेंगे इस पजल में, इस तरीके से उसको करके और इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चलिए अब कॉपी निकालिए आप लोग सभी क्वेश्चन आंसर के लिए। कॉपी में हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर सबने कर लिए होंगे। देखिए लेसन नंबर हमारा 3 है, ठीक है। लेसन नंबर 3 में एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सब। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई आर प्लांट्स इन हिली एरियाज कोनिकल इन शेप। कह रहे हैं कि हिली एरियाज में जो प्लांट्स प्रेजेंट थे वो कोनिकल शेप के क्यों थे। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे देखिए ये था, द ट्रीज बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि इनके पास फ्लावर की जगह क्या थे, कोन्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से ये ट्रीज जो थे किस शेप के थे, कोनिकल इन शेप के थे। तो ये आंसर लिखेंगे हम, लिखिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले लेसन नंबर डालेंगे, डेट डालिएगा यहाँ पे, लेसन नंबर 3 प्लांट हैबिटेट, लेसन का नाम, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग डालिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। आप लोग इसको करने के बाद आंसर नंबर
वल लिखिए बाय द प्लांट्स इन हिली एरियाज कॉनिकल इन शेप, आंसर लिखिए इन हिली एरियाज इन हिली एरियाज लाइक कश्मीर एंड शिमला, ट्रीज आर जनरली इन कश्मीर और शिमला में ट्रीज किस तरह के थे, जनरली टॉल थे और कैसे थे, स्ट्रेट थे, टॉल एंड स्ट्रेट। ठीक है, अब लिखिए आप द ट्रीज बियर कोन्स, क्या था उनके पास, कोन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, द ट्रीज बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ किसकी जगह, इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, उनके पास फ्लावर्स नहीं थे। ठीक है, किसके पास, हिली एरियाज के पास जो कोनिकल इन शेप के जो प्लांट्स थे, इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ पे लिखिए दैट्स व्हाई क्वेश्चन में से लिखेंगे फिर प्लांट्स इन हिली एरियाज दैट्स व्हाई प्लांट्स इन हिली एरियाज आर कॉनिकल इन शेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, देखिए यहाँ सब, हाउ डज अ पिक्चर प्लांट कैच इंसेक्ट, कह रहे पिक्चर प्लांट जो हमारा वो इंसेक्ट को कैसे कैच करता है। हमने पिक्चर प्लांट किस में पढ़ा था, इंसेक्टिवोरस प्लांट में, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट खा रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले देखिए आप, हाउ डज पिक्चर प्लांट कैच चलिए आंसर लिखेंगे अब हम इसका, लिखिए मेरे साथ साथ कैपिटल से स्टार्टिंग कीजिएगा, पिक्चर प्लांट कैचेस, क्वेश्चन में से ये पिक्चर प्लांट कैचेज इंस्टेड पिक्चर प्लांट कैचेज इंसेक्ट सॉरी क्या कैच कर रहे थे, इंसेक्ट कैच कर रहे थे। ठीक है, इन अ पिक्चर प्लांट कैचेज इंसेक्ट इन अ पोल ऑफ लिक्विड इंस्टेड देयर, किसकी जगह पर, इंस्टेड देयर हॉलो कहते हैं खोखले को, हॉलो लीव्स। ठीक है, व्हेन एन इंसेक्ट, अरे जब भी कोई इंसेक्ट बैठता था किस पर, प्लांट पर, सिट्स टू ईट, क्या खाने के लिए, आ स्वीट फूड, कह रहे जब भी कभी हमारा जो इंसेक्ट था वो फूड उस पर बैठता था, सिट करता था किस पर, उस लीफ पर, तो वो लीफ क्या करती थी, स्वीट फूड अराउंड अराउंड द लीफ इट फॉल्स डाउन, कह रहे वो नीचे गिर जाता था और मर जाता था। ठीक है, इन टू दी पोल,
एंड डाइस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज हैबिटेट। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि हैबिटेट क्या है, तो हैबिटेट पर ही हमारा चैप्टर था मेन। हैबिटेट क्या है हमारा, प्लांट्स के रहने की, ग्रो करने की जगह। देखिए हमने हैबिटेट में यहाँ क्या देखा था, फर्स्ट पेज पर ही देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं, हैबिटेट में क्या आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाट इज हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट, आंसर नंबर फोर लिखेंगे। क्या आंसर है इसका, वो जगह जहाँ पर प्लांट्स हमारे रहते हैं या फिर ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, द प्लेस वेयर अ प्लांट द प्लेस वेयर अ प्लांट लिव्स, वो जगह जहाँ पर हमारे प्लांट जो हैं वो रहते हैं, इज नोन एज, या इज कॉल्ड एज, इज नोन एज हैबिटेट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है, वाई आर ट्रीज ग्रोइंग इन हॉट एंड डैम क्लाइमेट कॉल्ड एवरग्रीन। कह रहे हैं कि जो हमारे ट्रीज जो थे हॉट में ग्रो कर रहे थे उनको हमने एवरग्रीन क्यों कहा था, क्योंकि वो ग्रीन कलर की थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम इसका, वाई आर ट्रीज ग्रोइंग इन हॉट एंड डैम क्लाइमेट। आंसर लिखिए इसका, प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट क्वेश्चन में से ही एंड डैम क्लाइमेट ऑल्सो बियर क्या प्रेजेंट थे उसमें, लीव्स, जो किस कलर के थे, ग्रीन कलर के, ठीक है। So they look green in color. वो में किस कलर के नजर आ रहे थे, ग्रीन कलर के, ठीक है, जिसकी वजह से हमने उनको क्या नाम दिया था, एवरग्रीन प्लांट।
दैट इज वाई दे आर ऑल कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए लेसन नंबर 3 के। सभी लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर अपने कंप्लीट करिएगा लेसन नंबर 3 के, ठीक है। लेसन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।